दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि WhatsApp हमें अपना सर्विस फ्री में क्यों देता है? और अगर वो सच में फ्री ही है तो आखिर वो पैसे कैसे कमाता है? क्योंकि दुनिया में जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो या तो एड्स के जरिए पैसा कमाती हैं या फिर अपनी सर्विसेज बेचकर। लेकिन वही WhatsApp एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें ना तो कभी कोई एड आता है और ना ही WhatsApp अपने यूजर्स को कभी कोई सर्विस बेचता है। दोस्तों, आज हम WhatsApp की वो सच्चाई बताने वाले हैं जिसे जानकर आप पूरी तरह शॉक रह जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, WhatsApp की इस स्टोरी को समझने के लिए हमें समय से पीछे साल 2009 में जाना होगा, क्योंकि उसी साल दुनिया में WhatsApp का जन्म हुआ था। ये वो समय था जब आईफोन और एंड्रॉयड फोन की कुछ समय पहले ही शुरुआत हुई थी और फेसबुक दुनिया में तेजी से फैल रहा था। उसी समय ब्रायन एक्टन नाम के एक अमेरिकन प्रोग्रामर फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक ने उन्हें उस जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया। नौकरी ना मिल पाने पर ब्रायन ने ये तय किया कि अब वे कुछ अलग और स्पेशल करेंगे, और तब उन्होंने अपने दोस्त जेन कोयोम के साथ मिलकर व्हाट्सएप नाम का स्मार्टफोन एप्लीकेशन बनाया। ये ऐप शुरुआत में स्टेटस अपडेट करने के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन जैसे ही इस ऐप के अंदर प्राइवेट मैसेजिंग का फीचर शामिल किया गया, एप्लीकेशन दुनिया में तेजी से फेमस होने लगी, क्योंकि उस समय लोगों के पास फ्री मैसेजिंग करने का और कोई बेहतरीन साधन मौजूद नहीं था, और उस समय साधारण टेक्स्ट भेजना लोगों को काफी महंगा भी पड़ता था, जबकि व्हाट्सएप लोगों को मुफ्त में कहीं पर भी इंस्टेंट मैसेज भेजने की सुविधा दे रहा था। उस समय लोगों के लिए ये कोई मामूली बात नहीं थी, जिसके चलते दुनिया के अंदर व्हाट्सएप के यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गए। अब व्हाट्सएप फेमस तो हो गया था, लेकिन ये पूरी तरह फ्री होने के कारण इसके डेवलपर्स ब्रायन एक्टन और जेन कोयोम को इससे कोई कमाई नहीं हो रही थी। देखा जाए तो दुनिया में कोई भी फ्री एप्लीकेशन तीन तरह से पैसे कमाती है। पहला एड्स के जरिए, दूसरा इन ऐप परचेजेस यानी ऐप के अंदर अपनी कोई सर्विस बेचकर, या फिर तीसरा अपने यूजर्स का डेटा सेल करके। लेकिन ब्रायन एक्टन और जेन कोयोम दोनों ही इस एप्लीकेशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिखाने के पूरी तरह खिलाफ थे। यहाँ तक कि उन्होंने याहू में अपनी पिछली जॉब भी सिर्फ इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उनके हिसाब से याहू के अंदर हद से ज्यादा एड्स दिखाए जाते थे। इसके अलावा वे व्हाट्सएप के अंदर इन ऐप परचेजेस जैसे भी कोई भी चीज नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि ऐप के किसी प्रीमियम फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स का पैसा खर्चा करवाना उन्हें किसी भी तरह से सही नहीं लगता था। अब लास्ट में तीसरा और आखिरी रास्ता था यूजर्स का डेटा बेचकर पैसा कमाना। लेकिन दोस्तों, दोनों ही डेवलपर्स यूजर्स की प्राइवेसी का बहुत इज्जत करते थे और वो शुरुआत से ही ऐप के अंदर प्राइवेसी को मेंटेन रखने के पक्ष में थे, यानी यूजर्स का डेटा सेल करके पैसा कमाना भी उनकी लिस्ट से बाहर था। इसलिए शुरुआत में कुछ समय तक व्हाट्सएप पूरी तरह फ्री रहा और दोनों डेवलपर्स को इससे कोई भी कमाई नहीं हुई। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे इनके यूजर्स बढ़ते गए और वीडियो व इमेज भेजने जैसे फीचर्स ऐड होते गए, वैसे वैसे इसको फ्री रख पाना मुश्किल से नामुमकिन होता गया, क्योंकि व्हाट्सएप को मैनेज करने के लिए एक बड़े सर्वर और बड़ी टीम की जरूरत पड़ने लगी थी, और ये सब मुफ्त में कर पाना किसी भी तरह पॉसिबल नहीं था। इसलिए काफी सोच विचार करने के बाद डेवलपर्स ने व्हाट्सएप को चलाने की एक फी रखी जो $1 प्रतिवर्ष थी, और हमारे भारत में ये फी ₹49 सालाना होती थी। कुछ देशों में इस फी को ऐप डाउनलोड करते वक्त ही चुकानी पड़ती थी, जबकि कुछ देशों में व्हाट्सएप पहले एक साल फ्री चलता था और फिर उसके बाद इस फी को चुकानी पड़ती थी। इस $1 के शुल्क की सबसे खास बात ये थी कि ये असल में कोई शुल्क था ही नहीं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति साल के अंत में व्हाट्सएप का ये फी नहीं भी चुकाता तब भी उसका व्हाट्सएप बंद नहीं होता। यानी ये शुल्क असल में एक डोनेशन की तरह था, जिसमें कुछ लोग इसको चुका देते थे जबकि कुछ लोग व्हाट्सएप ऐसे ही फ्री में इस्तेमाल करते रहते। अब बिजनेस के नजरिए से ऐप के अंदर इस तरह का शुल्क रखना पूरी तरह गलत था, लेकिन सभी को चौंकाते हुए ये आइडिया काम कर गया। यानी ऑप्शनल होने के बावजूद भी दुनिया में इतने लोग $1 के शुल्क को चुका देते थे कि व्हाट्सएप काफी समय तक बिना किसी परेशानी के लगातार इसी तरह चलता रहा। हालांकि अभी भी व्हाट्सएप की कमाई सिर्फ इतनी ही हुई थी कि इससे सिर्फ इसे चलाए रखने के खर्चे पूरे हो पाते थे, और डेवलपर्स को अभी भी इससे कोई खास कमाई नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी ब्रायन एक्टन और जेन कोयोम ने इसे इसी तरह चलाए रखा। समय के साथ साथ व्हाट्सएप के यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने व्हाट्सएप को अप्रोच करना शुरू कर दिया। शुरुआत में डेवलपर्स ने किसी भी इन्वेस्टर के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इन्वेस्टर अपना पैसा लगाने के बाद ऐप के अंदर एड्स डालने पर जोर देंगे। लेकिन व्हाट्सएप का यूजर बेस इतना बड़ा हो चुका था कि इन्वेस्टर डेवलपर्स की सभी शर्तों पर
अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए। इस तरह इन्वेस्टर्स के आने से व्हाट्सएप की अच्छी खासी कमाई शुरू हो गई। लेकिन डेवलपर्स ने फिर भी अपना ध्यान सिर्फ व्हाट्सएप को दुनिया की बेस्ट मैसेजिंग ऐप बनाने पर लगाए रखा। दोस्तों, जितने ज्यादा यूजर्स बढ़ रहे थे उतने ही ज्यादा इन्वेस्टर्स भी बढ़ते जा रहे थे। काफी समय तक ये व्हाट्सएप की कमाई की मेन स्ट्रेटजी बनी रही, लेकिन इस स्ट्रेटजी को ज्यादा लंबे समय तक जारी रख पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो लोग अपना पैसा इस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर रहे थे उन्हें भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि ऐप के अंदर जल्दी ही कोई ऐसा बिजनेस मॉडल लाया जाएगा जिससे एप्लीकेशन की असली कमाई शुरू होगी और उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले प्रॉफिट हासिल होगा। अब ऐसे में डेवलपर्स के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे थे। पहला ये कि वो कमाई शुरू करने के लिए व्हाट्सएप का कोई बिजनेस मॉडल तैयार करें, या दूसरा ये कि वो इस एप्लीकेशन का कोई अच्छा खरीदार ढूंढकर इसे बड़ी कीमत पर बेच दें। और ब्रायन एक्टन व जिन कोयूम दूसरा रास्ता चुनते हुए इस एप्लीकेशन को बेच दिया। 19 फरवरी 2014 ये वो दिन था जब फेसबुक की तरफ से ये बयान दिया गया कि उन्होंने व्हाट्सएप को $19 बिलियन की रकम में खरीद लिया है। ये रकम इतनी बड़ी थी कि बहुत से लोगों को इस खबर पर विश्वास तक नहीं हुआ था। दुनिया के ज्यादातर लोगों ने उस समय फेसबुक के इस फैसले को बेवकूफी भरा करार दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से व्हाट्सएप $19 बिलियन के वर्थ नहीं था। आपके अंदाजे के लिए बता दें कि $19 बिलियन एक इतनी बड़ी रकम है कि उससे बुर्ज खलीफा जैसी 13 इमारतें बनवाई जा सकती हैं। वैसे लोगों का ऐसा सोचना गलत भी नहीं था, क्योंकि फेसबुक के पास मैसेंजर नाम की अपनी खुद की एक एप्लीकेशन ऑलरेडी मौजूद थी, जो फीचर्स के मामले में काफी हद तक व्हाट्सएप के जैसे ही थी। साथ ही व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन थी जिसके पास कमाई करने की कोई मजबूत स्ट्रेटजी नहीं थी। ऐसे में हर तरफ यही सवाल उठ रहा था कि आखिर फेसबुक ने इस एप्लीकेशन को इतनी बड़ी कीमत पर क्यों खरीदा। जहां एक तरफ लोग इसे फेसबुक के लिए घाटे का सौदा बता रहे थे, वहीं फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग व्हाट्सएप को लेकर एक प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि उनकी नजरों में व्हाट्सएप की कीमत $19 बिलियन से कहीं ज्यादा है। जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू के दौरान जब फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच तालमेल के बारे में बात की, तो दुनिया में बहुत से लोगों ने इसको एक खतरे की घंटी की तरह माना, क्योंकि फेसबुक का पूरा बिजनेस मॉडल यूजर्स का डेटा कलेक्ट करके उसे पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाने पर आधारित है। साथ ही यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर फेसबुक का रिकॉर्ड शुरुआत से ही खराब रहा है, और प्राइवेसी, सिक्योरिटी व डेटा लीक होने जैसी चीजों को लेकर ना जाने कितनी बार फेसबुक विवादों में घिर चुका है। हालांकि जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप के फाउंडर से ये वादा किया था कि अगर वो चाहें तो व्हाट्सएप को अपने हिसाब से उसी तरह ऑपरेट करते रहना जारी रख सकते हैं जैसे वो अब तक करते आए हैं। फेसबुक उनके काम में कोई भी दखल नहीं देगा, और साथ ही उन्होंने प्रॉमिस किया था कि व्हाट्सएप में एड्स वगैरह डालकर उसे कभी भी मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। इसके बाद साल 2016 में व्हाट्सएप से $1 के सालाना शुल्क को खत्म करके उसे हमेशा के लिए पूरी तरह फ्री कर दिया गया। ये सब चीजें आम लोगों के लिए काफी तसल्ली देने वाली थी, लेकिन इस सब के पीछे फेसबुक अपनी एक अलग ही प्लानिंग कर रहा था जिससे उस समय दुनिया के लोग पूरी तरह अनजान थे। असल में फेसबुक ने 19 बिलियन की रकम में व्हाट्सएप को नहीं खरीदा, बल्कि सही मायनों में देखा जाए तो उसने व्हाट्सएप के उन करोड़ों यूजर्स के डेटा को खरीदा जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि लोगों के पर्सनल डेटा को कलेक्ट करके उन्हें उनके डेटा के अनुसार एड्स दिखाना फेसबुक का मेन बिजनेस है। ऐसे में फेसबुक के लिए व्हाट्सएप किसी गोल्ड माइन से कम नहीं था, जिसके जरिए वो 100 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स के उस पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकता था। यानी फेसबुक अपनी दूसरी सभी सोर्सेज से मिलने वाले डेटा और व्हाट्सएप से प्राप्त होने वाले डेटा को कंबाइन करके लोगों को और भी ज्यादा बेहतर पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाने की प्लानिंग कर रहा था। और इसके अलावा व्हाट्सएप से उसको करोड़ों ऐसे नए यूजर्स भी मिल रहे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी फेसबुक मैसेंजर का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि इसके अलावा ऐसा करने के पीछे एक रीजन ये भी बताया जाता है कि फेसबुक व्हाट्सएप को खरीदकर मार्केट से अपना कंपटीशन खत्म करना चाहता था, क्योंकि जुकरबर्ग को ये खबर मिली थी कि गूगल व्हाट्सएप के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों, भले ही हम लोग पब्लिकली व्हाट्सएप के रेवेन्यू को नहीं देख सकते, या हम ये सोच सकते हैं कि व्हाट्सएप अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, लेकिन असल में व्हाट्सएप को डायरेक्टली मोनेटाइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप को मोनेटाइज किए बिना भी उसकी यूजर बेस और डेटा से ऑलरेडी इतनी कमाई कर रहा है जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जुकरबर्ग ने तो खास तौर से इस बात को जोर देकर कहा था कि व्हाट्सएप हमेशा इंडिपेंडेंटली काम करेगा और उसका कोई भी डेटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। साथ ही फेसबुक को व्हाट्सएप द्वारा खरीद लिए जाने के बाद भी
उसे उसके असली डेवलपर ब्रायन एक्टन के द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। तो ऐसे में भला व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर कैसे किया जा सकता है? जुकरबर्ग की बात और उनके वादे पर दुनिया के ज्यादातर लोग भरोसा करते थे, लेकिन ये भरोसा साल 2017 में उस समय खत्म हो गया जब ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप यूजर्स के डेटा को फेसबुक के साथ शेयर किए जाने के चलते फेसबुक से क्विट कर दिया। कहते हैं कि इस मामले में उनका जुकरबर्ग के साथ झगड़ा भी हुआ था। ये जॉब क्विट करने पर ब्रायन को लगभग $850 मिलियन का नुकसान भी हुआ था, लेकिन उन्होंने नुकसान की परवाह ना करते हुए इस जॉब को तुरंत छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। ये नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने बताया कि फेसबुक असल में बिना किसी को बताए व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा फेसबुक पर टारगेटेड एड्स दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है, जिसके चलते यूरोपियन कमीशन द्वारा उसके ऊपर 110 मिलियन यूरो का फाइन भी लगाया गया था। असल में इस बात का खुलासा बाद में हुआ कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डेटा को ना सिर्फ कंबाइन करना पॉसिबल है, बल्कि फेसबुक इस काम को तभी से कर रहा है जब साल 2014 में उसने व्हाट्सएप को खरीदा था। व्हाट्सएप द्वारा आपके फोन से लिए जाने वाले डेटा में आपका फोन नंबर, प्रोफाइल पिक्चर, नाम, स्टेटस, लॉगिन एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग रिकॉर्ड, लोकेशन और वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री जैसी और भी कई चीजें शामिल हैं। दोस्तों, साल 2021 की शुरुआत में लोगों का डेटा कलेक्ट करने के चलते फेसबुक की दुनिया भर में काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद फेसबुक द्वारा व्हाट्सएप पर सभी यूजर्स को टर्म्स एंड कंडीशन व प्राइवेसी पॉलिसी का एक फॉर्म दिया गया, जिसे एक्सेप्ट करने के बाद ही यूजर व्हाट्सएप को यूज करना जारी रख सकते थे। हालांकि बाद में इस फॉर्म को एक्सेप्ट करने की डेट आगे बढ़ा दी गई, और वैसे देखा जाए तो लोगों का डेटा कलेक्ट करके उन्हें टारगेटेड एड्स दिखाने का ये काम सिर्फ फेसबुक ही नहीं बल्कि गूगल और अमेजन जैसी दुनिया की सभी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। फिर भी अगर आप व्हाट्सएप को क्विट करना चाहते हैं तो आप सिग्नल या टेलीग्राम जैसी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, जिसमें सिग्नल एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे बनाने के लिए व्हाट्सएप के डेवलपर ब्रायन एक्टन ने $50 मिलियन की फंडिंग की थी। हालांकि अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या मैसेंजर आदि को यूज करते हैं और इन एप्लीकेशन को यूज करते हुए ही आप व्हाट्सएप क्विट करना चाहते हैं, तो वैसे में आपके व्हाट्सएप क्विट करने का कोई भी सेंस नहीं बनता। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरह के टॉपिक का सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।